नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये पेपर है इसरो का, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, और यह है टेक्नीसियन बी फिटर। इसमें विज्ञापन संख्या यानी कि एडवर्टीज नंबर है 292 और पोस्ट नंबर है 1293। दोस्तों ये 25/9/2016 को हुआ था, तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर है, हल करते हैं इसे। पहला क्वेश्चन है, इंजीनियरों के स्टील रूल की पाठन यथार्थता कितनी होती है, यानी कि लीस्ट काउंट कितनी होती है इंजीनियर स्टील रूल की। दोस्तों वो होती है आधा मिलीमीटर, यानी कि 0.5 मिलीमीटर। पहले का सी ऑप्शन सही है। दूसरा देखिए, लीस्ट काउंट ऑफ ए कॉमन वर्नियर कैलिपर, जो वर्नियर कैलिपर होता है उसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है, वो होती है 0.02 मिलीमीटर, यानी कि दूसरे का बी ऑप्शन सही है। तीसरा देखिए, चूज ए ड्रिलिंग मशीन फॉर ड्रिलिंग मल्टीपल होल ऑफ लार्जर डायमीटर। इसमें कह रहा है कि बहुत बड़े मतलब बड़े व्यास के बहुछिद्र ड्रिलिंग के लिए एक ड्रिलिंग मशीन का चुनाव करें। दोस्तों वो होती है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, तो तीसरे का डी ऑप्शन सही है, त्रैज ड्रिलिंग प्रवेधन मशीन। चौथा क्वेश्चन देखिए, लौह अयस्क से के प्रगलन से किसकी प्राप्ति होती है, यानी कि बाय स्मेल्टिंग आयरन ओर वी गेट पिग आयरन, हम लोग कच्चा लोहा प्राप्त करते हैं, तो चौथे का डी ऑप्शन सही है, कच्चा लोहा। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, मृदुलता प्राप्त करने, मशीनी योग्यता में उत्पन्न उन्नता प्राप्त करने, तन्यता बढ़ाने, आंतरिक प्रतिबल से मुक्त होने तथा रेणु अमाप का परिष्कार करने के लिए उपयुक्त इस्पात के ऊष्मा उपचार को क्या कहते हैं। दोस्तों उसे हम अनीलिंग कहते हैं। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, द हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील टू ऑब्टेन सॉफ्टनेस, इम्प्रूव मशीनेबिलिटी, इंक्रीज डक्टिलिटी, टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस एंड टू रिफाइन द ग्रेन साइज इज कॉल्ड अनीलिंग। पांचवें का ए ऑप्शन सही है, अनीलिंग। छठा क्वेश्चन देखिए, द साइज ऑफ एन इंजीनियर्स वॉइस इज स्पेसिफाइड बाई। इंजीनियर्स वॉइस जो होती है उसका साइज कहाँ से लेते हैं दोस्तों, वो होती है उसके जा की चौड़ाई से, यानी कि विड्थ ऑफ द जा, तो छः का बी ऑप्शन सही है। सातवां क्वेश्चन देखिए, स्क्राइबर्स आर मेड ऑफ, स्क्राइबर किससे बने होते हैं दोस्तों, स्क्राइबर होते हैं हाई कार्बन स्टील से, तो सेवन का सी ऑप्शन सही है। आठवां क्वेश्चन देखिए, सरफेस गेज क्या है दोस्तों, वो एक मार्किंग टूल है सरफेस गेज, तो आठवें का ए ऑप्शन सही है, सरफेस गेज ये मार्किंग टूल। नौवां क्वेश्चन देखिए, माइल्ड स्टील का विशिष्ट घनत्व कितना होता है, इसमें कह रहा है दोस्तों वो होता है 7.8, तो नौवें का सी ऑप्शन सही है। दसवां क्वेश्चन देखिए, लकड़ी रबड़ चमड़ा इत्यादि के रेतने के लिए कौन सी फाइल उपयुक्त होती है दोस्तों, वो होती है रास्प कट फाइल, तो दसवें का सी ऑप्शन सही है। ग्यारहवां क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए थ्रेड इज डिजिग्नेटेड टू M12 × 1.25 देन 1.25 डिजिग्नेटेड टू, इसमें कह रहा है पेंच है उसका साइज दे रखा है M12 और 1.25, तो उसमें 1.25 क्या है दोस्तों, वो होती है पेंच की पिच, तो पिच आपका थ्रेड, चूड़ी की जो है पिच कहलाती है वो, तो ग्यारहवें का बी ऑप्शन सही है। बारहवां क्वेश्चन देखिए, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर चेकिंग द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट, इसमें कह रहा है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो किसी दो मिलने वाले पार्टनरों के बीच में गैप चेक करने के काम आता है दोस्तों, वो होता है फिलर गेज, तो बारहवें का बी ऑप्शन सही है, फिलर प्रमापी यानी कि फिलर गेज। तेरहवां क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग एंड फिनिशिंग ए होल इज नोन एज, मतलब उस प्रोसेस का नाम बताओ जो किसी होल को बड़ा करता है और उसे फिनिश भी करता है दोस्तों, वो होती है रीमिंग, रीमिंग से हम होल को फिनिश करते हैं और थोड़ा बड़ा भी करते हैं, तो तेरहवें का सी ऑप्शन सही है, रीमिंग। चौदह क्वेश्चन देखिए, बॉल पिन हैमर का उपयोग किसके लिए करते हैं दोस्तों, वो उसका सामान्यतः यूज होता है रिवेटिंग के लिए, तो चौदहवें का बी ऑप्शन सही है, और जो कि 250 ग्राम होता है इसका वजन।
पंद्रह क्वेश्चन देखिए। द प्रोसेस ऑफ बेवल्ड द एंड ऑफ ए ड्रिल्ड होल इज नोन एज, उसमें कह रहा है ड्रिलिंग किया हुआ होल है वो ऊपर से बेवल किया गया है, यानी कि उसके ऊपर से तिरछी कटाई की गई है दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं काउंटर सिंकिंग। पंद्रह का बी ऑप्शन सही है, काउंटर सिंकिंग बोलेंगे उसे। सोलह क्वेश्चन देखिए। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए फ्लैट सीट फॉर ए बोल्ट हेड द ओपनिंग ऑफ ए ड्रिल्ड होल, इसमें कह रहा है ड्रिल होल है, ड्रिल किया हुआ होल है उसके मुख पर यानी उसके सिरे पर, हमने उसके सिरे को बिल्कुल फ्लैट बना दिया है ताकि हमारा बोल्ट का हेड जो है उस पर बैठ जाए, सपाट बैठ जाए, तो वो क्या कहलाती है प्रक्रिया दोस्तों, वो कहलाती है स्पॉट फेसिंग, यानी कि एक प्रवेदित छिद्र के अग्र पर बोल्ट हेड के लिए सपाट सीट उत्पन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है स्पॉट फेसिंग। तो सोलहवें का डी ऑप्शन सही है। सत्रहवां क्वेश्चन देखिए। एक ही औजार से प्रवेदन एवं काउंटर सिंकिंग के संयुक्त प्रचालन को क्या कहते हैं, यानी कि हमारे पास एक ही टूल है और उसी टूल से हम ड्रिलिंग भी कर रहे हैं और काउंटर सिंकिंग भी कर रहे हैं दोस्तों, वो होती है हमारी सेंटर ड्रिलिंग। सेंटर ड्रिलिंग में सबसे पहले ड्रिलिंग करते हैं, उसके बाद पीछे से काउंटर सिंकिंग होती आती है। सत्रह का ए ऑप्शन सही है। अठारहवां क्वेश्चन देखिए। एन एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल एब्रेसिव इज, इसमें कह रहा है प्राकृतिक अपघर्षक का क्या उदाहरण है दोस्तों, वो होता है कोरंडम। इसमें जो कोरंडम है वो प्राकृतिक अपघर्षण है, बाकी सिलिकॉन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड, कैल्शियम, ये सब बनाए गए हैं। तो अठारहवें का सी ऑप्शन सही है। उन्नीसवां क्वेश्चन देखिए। गैस वेल्डिंग का नोजल जो है किससे बना होता है दोस्तों, वो बना होता है कॉपर से, यानी कि तांबा। 19 का सी ऑप्शन सही है। 20वां क्वेश्चन देखिए। माइल्ड स्टील का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, मृदु इस्पात का गलनांक दोस्तों होता है 1500 डिग्री सेल्सियस, तो 20वें का ए ऑप्शन सही है। 21वां क्वेश्चन देखिए। लेथ बेड किसके बने होते हैं दोस्तों, वो होते हैं कास्ट आयरन के, क्योंकि कास्ट आयरन में एक क्वालिटी होती है, वो चैटरिंग, टूल चैटरिंग और वाइब्रेशन को सहन कर लेता है या कम कर सकता है, तो 21 का बी ऑप्शन सही है। 22वां क्वेश्चन देखिए। ए डेड सेंटर इज द लेथ सेंटर फिक्स्ड इन, इसमें कह रहा है लेथ में, सेंटर लेथ में जो डेड सेंटर होता है वो कहाँ होता है दोस्तों, वो होता है टेलीस्टाक में, तो 22वें का बी ऑप्शन सही है, टेलीस्टाक यानी कि पुच्छ स्टाक। 23वां क्वेश्चन देखिए। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा फाइलों के निम्नलिखित ग्रेडों की संस्तुति की गई है, यानी कि इतने प्रकार ग्रेड होते हैं उसमें कौन होता है, बास्टर्ड, सेकेंड कट यानी कि द्वितीय कट, स्मूथ एंड डेड स्मूथ, ये चार प्रकार ग्रेड की फाइल मतलब संस्तुति की गई है, परमिशन है, तो 23वें का सी ऑप्शन सही है, बास्टर्ड, सेकेंड कट, स्मूथ एंड डेड स्मूथ। तो 24वां क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट द पंच यूज्ड फॉर मेकिंग विटनेस मार्क फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें कह रहा है कि कौन सा पंच जो है विटनेस मार्क यानी कि साक्ष्य अंकन करने के लिए उपयुक्त होता है दोस्तों, वो होता है 60 डिग्री डार्ट पंच, 60 डिग्री डार्ट पंच, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 60 डिग्री डार्ट पंच होगा, ये प्रिक पंच नहीं होगा, तो 24 का ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर अगर आप इसको 60 डिग्री डार्ट पंच पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 25वां क्वेश्चन देखिए। क्रॉस कट सीजल आर यूज फॉर, इसमें कह रहा है क्रॉस कट सीजल किसके लिए प्रयोग होती है दोस्तों, वो होती है की वे काटने के लिए, तो कटिंग की वे, तो 25 का डी ऑप्शन सही है। 26वां क्वेश्चन देखिए। द मोस्ट सुटेबल पिच ऑफ ए हेक्सा ब्लेड फॉर कटिंग थिन ट्यूबिंग इज, इसमें कह रहा है पतले ट्यूब काटने हैं तो कितनी पिच का हेक्सा ब्लेड हमें अच्छा रहेगा दोस्तों, वो होती है सबसे महीन हेक्सा ब्लेड, सबसे महीन पिच का हेक्सा ब्लेड यानी कि 0.8 मिलीमीटर, तो 26 का बी ऑप्शन सही है। 27वां क्वेश्चन देखिए। ड्रिल चक्स आर फिटेड ऑन द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल बाय मीन्स ऑफ, इसमें कह रहा है ड्रिलिंग मशीन में ड्रिल चक किस में फिट होते हैं दोस्तों, वो आर्बर में फिट होते हैं ड्रिल चक, तो 27 का ए ऑप्शन सही है, बाहरी धुरा या आर्बर। 28वां क्वेश्चन देखिए। ए ड्रिफ्ट इज यूज फॉर, इसमें कह रहा है ड्रिफ्ट किसके लिए यूज होती है दोस्तों, ड्रिफ्ट जो होती है मशीन स्पिंडल से ड्रिल निकालने के लिए प्रयोग होती है, तो 28वें का ए ऑप्शन सही है। 29वां देखिए। कोणों को यथार्थ मापन के लिए कौन सा यंत्र उपयुक्त होता है
दोस्तों वो होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट 5 मिनट होती है, यानी कि ये सूक्ष्म मापन यंत्र है। तो 29 का बी ऑप्शन सही है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। 30वां देखिए, सामान्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त ड्रिल बिट में मानक हेलिक्स एंगल कितना होता है दोस्तों? वो होता है 27.5 डिग्री, यानी कि 27.5 डिग्री। तो यानी कि 30 का डी ऑप्शन सही है। 31 देखिए, वी ब्लॉक का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है दोस्तों? वो होता है 90 डिग्री। 31 का ए ऑप्शन सही है। 32 देखिए, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज नोन है। इसमें कह रहा है मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज के बीच का अंतर क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है हमारा टॉलरेंस, यानी कि सहिष्णुता इसमें लिखा है, तो टॉलरेंस सही है। तो 32 का बी ऑप्शन सही है, टॉलरेंस। 33 देखिए, भारतीय मानक प्रणाली में प्राप्त मूल सहिष्णुताओं की संख्या है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में कितने प्रकार के फंडामेंटल टॉलरेंस होते हैं दोस्तों? वो होते हैं 18 प्रकार के। तो 33 का बी ऑप्शन सही है। 34 देखिए, इन द होल बेसिक सिस्टम द लोअर डेविएशन ऑफ फॉर द होल एच इज, इसमें कह रहा होल बेसिक सिस्टम में जो है हमारे पास कैपिटल एच प्रकार का एक होल है, उसके लिए लोअर डेविएशन कितना होगा? तो दोस्तों वो होगा 0 मिलीमीटर। 34 का ए ऑप्शन सही है, 0 मिलीमीटर। 35 क्वेश्चन देखिए, द फिलर मटेरियल यूज इन ब्रेजिंग इज, इसमें कह रहा ब्रेजिंग में फिलर मटेरियल कौन सा यूज होता है? तो ऐसा फिलर मटेरियल यूज करते हैं जो नॉन फेरस एलॉय हो और इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक जो है 1.5 डिग्री, 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो, यानी कि 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो। 35 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गलनांक से युक्त अलौह मिश्र धातु, यानी कि नॉन फेरस एलॉय विद मेल्टिंग पॉइंट एबव 450 डिग्री सेल्सियस। तो 35 का बी ऑप्शन सही है। 36 देखिए, एक सेंटर लेथ है, उसका कोनिकल पॉइंट का एंगल कितना होता है दोस्तों? वो होता है 60 डिग्री। 36 जो है उसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि सेंटर लेथ है हमारे, सेंटर होते हैं सेंटर लेथ में, जो लेथ के सेंटर होते हैं उनका 60 डिग्री कोण होता है। 37वां क्वेश्चन देखिए, विच इज द लेथ सेंटर जनरली यूज फॉर टेपर टर्निंग, उसमें कौन सा लेथ सेंटर होता है जो टेपर टर्निंग के लिए यूज होता है, उपयुक्त होता है दोस्तों? वो होता है बाल सेंटर। बाल सेंटर हम इसलिए यूज करते हैं टेलीस्टॉक में, क्योंकि अगर हमें टेलीस्टॉक ऑफसेट भी करना पड़े तो भी कोई फर्क ना पड़े। तो 37 का सी ऑप्शन सही है। 38 देखिए, ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज टू क्रिएट एक्सटर्नल वी थ्रेड इन लेथ, इसमें कह रहा है ऐसा कौन सा औजार है जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है और बाहरी वी चूड़ियाँ काटता है दोस्तों? वो होता है चेजर। चेजर जो होता है वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है और बाहरी एक्सटर्नल वी थ्रेड काटता है। तो 38 का बी ऑप्शन सही है। 39 क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है फॉर टर्निंग लॉन्ग टेपर विद ए स्मॉल टेपर एंगल द मेथड ऑफ टेपर टर्निंग एम्प्लॉयड इज, इसमें कह रहा है कि हमें छोटे टेपर एंगल हमारा छोटा रहना चाहिए, टेपर एंगल छोटा रहना चाहिए लेकिन टेपर की लंबाई ज़्यादा रहनी चाहिए। तो ऐसा टेपर हमें काटने के लिए कौन सी विधि का यूज़ करते हैं? मतलब टेपर का एंगल कम रहे लेकिन टेप लंबा रहे टेपर, तो ऐसा टेपर काटने के लिए किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? ऐसा करने के लिए हम ऑफसेट टेल स्टॉक को ऑफसेट करते हैं, ये एक टेपर मेथड है, तो टेल स्टॉक को ऑफसेट करते हैं। तो 39 का ए ऑप्शन सही है, ऑफसेटिंग द टेल स्टॉक, यानी कि पुट स्टॉक के ऑफसेटिंग द्वारा। 40वां क्वेश्चन देखिए, द पर्पज ऑफ रिलीफ ग्रूव इज टू, इसमें कह रहा है रिलीफ ग्रूव का क्या उद्देश्य होता है? उच्चावच ग्रीव का उद्देश्य है दोस्तों। रिलीफ ग्रूव का उद्देश्य जो होता है, बिना किसी रुकावट के पृष्ठों के बीच संपर्क को सुनिश्चित करना। तो 40 का बी ऑप्शन सही है, इंश्योर कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेस विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तो 40 का बी ऑप्शन सही है। 41 देखिए, सीट की मोटाई के शीघ्र मापन के लिए कौन सा यंत्र यूज करते हैं दोस्तों? सीट की थिकनेस चेक करने के लिए हम स्टैंडर्ड वायर गेज यूज करते हैं। तो 41 का डी ऑप्शन सही है। 42वां क्वेश्चन देखिए,
कास्ट आयरन इज नॉर्मली टर्न, इसमें कह रहा है कास्ट आयरन जो है उसकी टर्निंग की जाती है, तो कैसे की जाती है दोस्तों? उसकी टर्निंग बिना शीतलक का प्रयोग करके की जाती है, यानी कि ड्राई विदाउट एनी कूलेंट, बिना किसी कूलेंट के, यानी कि आप फोर्स एयर भी यूज कर सकते हैं। तो 42 का बी ऑप्शन सही है। 43 देखिए, द पॉइंट एंगल इन ए जनरल पर्पज ड्रिल बिट इज, सामान्य उद्देश्य के लिए यूज़ करने वाली ड्रिल बिट है उसका पॉइंट एंगल कितना होता है? उसका होता है 118 डिग्री। तो 43 का बी ऑप्शन सही है। 44 देखिए, लोहे के निर्माण हुए तो कौन से अयस्क का उपयोग नहीं किया जाता दोस्तों? वो होता है हमारा बॉक्साइट, क्योंकि लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट सबसे हम लोहे का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन बॉक्साइट से नहीं कर सकते, क्योंकि बॉक्साइट हमारा जो होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क है, इससे हम एल्युमिनियम निकालते हैं, लोहा नहीं। तो 44 में का ए ऑप्शन सही है। 45वां क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है एक कारपेंटर वाइस है उसमें कौन सा थ्रेड यूज होती है दोस्तों? उसमें यूज होती है हमारी सार टूथ थ्रेड। तो 45 का बी ऑप्शन सही है। 46 देखिए, इरेगुलर शेप फॉर इसेंट्रिक टर्निंग कैन बी हेल्ड इन है, मतलब एक हमारे पास अनियमित आकृति का जॉब है और उसमें इसेंट्रिक टर्निंग करनी है, इसेंट्रिक टर्निंग करनी है, तो उसमें कौन सा जॉब यूज करें, वो सॉरी कौन सा जॉ यूज करेंगे, किस जॉ में पकड़ेंगे उसे दोस्तों? वो पकड़ेंगे हमें फोर जचक में, क्योंकि फोर जचक में हम अनियमित आकार के जॉ पकड़ते हैं। तो 46 का ए सही है। 47 देखिए, एक धातु है उसके झटके और इम्पैक्ट सहन करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं हम टफनेस, चर्मलता, टफनेस कहते हैं उसे। तो 47 का बी ऑप्शन सही है। 48 क्वेश्चन देखिए, 48 क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है छिद्र का आकार आमर दे रखा है, इसका बेसिक साइज है 20 और डेविएशन ऊपर दे रखे हैं +0.000 और +0.021, और शाफ्ट का साइज दे रखा है 20, -0.007 और -0.020। तो कह रहा है इसमें मैक्सिमम क्लियरेंस कितना होगा दोस्तों? मैक्सिमम क्लियरेंस करने के लिए क्या बोलेंगे हम? छिद्र का आकार मैक्सिमम लेंगे, यानी कि मैक्सिमम साइज लिमिट ऑफ होल, और इसमें क्या करेंगे हम? मिनिमम शाफ्ट लिमिट ऑफ होल, यानी कि शाफ्ट का कम से कम आकार और छिद्र का सबसे बड़ा से बड़ा आकार, यानी कि मैक्सिमम साइज लिमिट ऑफ होल इसमें से घटा देंगे हम, क्या घटाएंगे? मिनिमम साइज लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो जो अंतर आएगा हमारा वो आएगा मिनिमम मैक्सिमम क्लियरेंस, तो जो यहाँ पर आ गया 0.041। ठीक है दोस्तों, तो 48 का सी ऑप्शन सही है। 49 देखिए, ए कॉनकेव फेस इज टर्निंग इज कॉज्ड ड्यू टू, इसमें कह रहा है कि टर्निंग के दौरान हमारी एक सरफेस जो है, फेस जो है वो कॉनकेव बन जाता है, तो क्या उसका रीजन हो सकता है दोस्तों? वो होता है इम्प्रॉपर क्लैंपिंग ऑफ टूल, टूल का अनुचित क्लैंपन। तो 49 का ए ऑप्शन सही है। 50 देखिए, 28 ± 0.5 के रूप में जो हमारा एक साइज दे रखा है, इसके लिए टॉलरेंस क्या होगी? तो दोस्तों टॉलरेंस बता दें आपको, टॉलरेंस का मतलब होता है किसी भी एक जॉब के लिए उसका मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज के बीच का अंतर जो होता है वो टॉलरेंस कहलाती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम साइज ऑफ लिमिट होगी 28.5 मिलीमीटर और मिनिमम साइज ऑफ लिमिट होगी 27.5 मिलीमीटर। तो दोनों घटा देंगे तो आ जाएगी हमारी, अंतर आ जाएगा 1 मिलीमीटर। तो 50 का बी ऑप्शन सही है, 1 मिलीमीटर। 51 क्वेश्चन देखिए, 30H7/G6, इसमें कौन सी फिट है दोस्तों? इसमें हमारी क्लियरेंस फिट है। तो 51 का ए ऑप्शन सही है। 52वां क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज का अबेस जो है 10 है और उसकी ऊंचाई 20 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 × आधार × ऊंचाई। तो आ जाएगा हमारा 100। दोस्तों ये क्वेश्चन लगाया हुआ है मैंने और आप इसको देख सकते हैं वीडियो के लास्ट में।
53 क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है 300 मिलीमीटर लंबाई से युक्त एक मानक हेक्सा ब्लेड में 375 दांत हैं, तो ब्लेड का वर्गीकरण हम सेट का प्रकार क्या है? तो इसमें क्या करेंगे हम, 300 को जो है जब हम आप पिच निकालेंगे तो हमारी पिच आएगी बहुत कम, लगभग 0.8 के समथिंग आएगी। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा फाइन पिच का ब्लेड है, और फाइन पिच का ब्लेड में वेव सेट होते हैं, वेव ही सेट होती है। तो 53 का डी ऑप्शन सही है। 54 देखिए, इसमें कह रहा है इसमें आरपीएम निकालने हैं, और इसमें जो है डाया दे रखा है ड्रिल का, 24 दे रखा है, तो आरपीएम पूछ रहा है, और हमारी कटिंग स्पीड जो है वो 35 दे रखी है। तो आपको दोस्तों पता है कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई डी एन बटे 1000 मीटर प्रति मिनट। तो इस सूत्र से हम इसको लगा लेंगे तो इसका आंसर आएगा 400। तो 54 का ए ऑप्शन सही है, 400। ये दोस्तों क्वेश्चन हम लगाया हुआ है बाद में, इसी वीडियो के अंत में आप देख सकते हैं। 55 क्वेश्चन देखिए, 60 डिग्री के बिंदु कोण के साथ यदि चीजल की इंक्लाइंड एंगल 39.5 है डिग्री, तो उसका क्लियरेंस एंगल कितना होगा? दोस्तों वो होगा 9.5 डिग्री। 55 का बी ऑप्शन सही है। इसका दोस्तों चित्र से समझाया गया है वीडियो के लास्ट में। तो यहाँ पर दोस्तों 55 का बी ऑप्शन सही है, 9.5 डिग्री। 56वां क्वेश्चन देखिए, एक वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल के 100 विभाजन मुख्य स्केल के एक्स मिलीमीटर लेते हैं, यदि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है तो इसके एक्स का मान बताएं। तो इसने पूछ रहा है कि मेन स्केल के वर्नियर स्केल के जो 100 भाग हैं वो मेन स्केल के कितने मिलीमीटर के बराबर हैं, ये पूछ रहा है। तो वो दोस्तों यहाँ पर आ जाएंगे 99 मिलीमीटर के बराबर हैं। तो 56 का सी ऑप्शन सही है, 99। 57 देखिए, एक मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर जिसकी रेंज है 100 से 125 मिलीमीटर और वो मापने के लिए यूज़ करते हैं, दोस्तों रेंज उसकी है कितनी, 100 से 125 मिलीमीटर, तो उसकी बैरल ग्रेजुएशन जो है वो शो कर रहा है 16.5, और थिम्बल ग्रेजुएशन जो है वो 28 है। तो कह रहा है कि उस रॉड का डायमीटर क्या होगा? दोस्तों वो होगा 116.78 मिलीमीटर। तो 57 का डी ऑप्शन सही है। दोस्तों ये भी हमने क्वेश्चन हल किया हुआ है 57, और इसको आप देख सकते हैं बाद में वीडियो में। 58वां क्वेश्चन देखिए, एक छिद्र है उसका आकार दे रखा है 25 प्लस 0.00 और प्लस 0.021, और शाफ्ट का आकार दे रखा है 25, 0.022 और प्लस 0.035, तो इसका मिनिमम इंटरफेरेंस क्या है? दोस्तों फार्मूला होता है मिनिमम इंटरफेरेंस का कि मिनिमम शाफ्ट साइज और मैक्सिमम होल साइज के बीच का अंतर जो है मिनिमम इंटरफेरेंस कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम मिनिमम शाफ्ट साइज निकाल लेंगे, शाफ्ट का मिनिमम साइज हो जाएगा 25.022, और होल का मैक्सिमम साइज हो जाएगा 25.021। आपस में इनका अंतर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.001 मिलीमीटर। तो 58 का बी ऑप्शन सही है। 59वां क्वेश्चन देखिए, व्हाइल फेसिंग ए जॉब इन ए लेथ, इसमें कह रहा है लेथ में हम फेसिंग कर रहे हैं जॉब में, तो सेंटर के बीच में एक पिप छूट जाती है, तो क्या कारण होता है? दोस्तों उसका एक रीज़न होता है कि हमारा जॉब, सॉरी टूल जो है वो केंद्र में नहीं बंधा हुआ है, सेंटर में नहीं है। तो 59 का डी ऑप्शन सही है, टूल इज नॉट सेट इन सेंटर। 60वां क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम साइड रिलीफ एंगल प्रोवाइडेड ऑन पार्टिंग टूल इज, पार्टिंग टूल जो होते हैं उसका साइड रिलीफ एंगल कितना होता है अधिकतम? दोस्तों वो होता है 2 डिग्री। तो 60 का बी ऑप्शन सही है, 2 डिग्री। 61 क्वेश्चन देखिए, एक गोलक है उसका 10 मिलीमीटर व्यास है, तो इसका कह रहा है इसका पृष्ठ सरफेस
सरफेस एरिया पूछ रहा है यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों, वो होगा 100 पाई। तो 61 का बी ऑप्शन सही है दोस्तों, ये क्वेश्चन लगाया हुआ है इसकी वीडियो में, देखना आप नीचे तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, 62 क्वेश्चन। एक शंकु में 20 मिलीमीटर का आधार व्यास है, 30 मिलीमीटर की तिरछी ऊंचाई है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर दोस्तों, हम हल करेंगे तो वो आ जाएगा 400 पाई। तो 62 का बी ऑप्शन सही है दोस्तों, ये भी हमने लगाया हुआ है, इसको हल किया हुआ है वीडियो के अंत में आप देखेंगे। 63वां क्वेश्चन देखिए, दो छिद्रों के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी 30 मिलीमीटर है और इनको जोड़ने वाली रेखा क्षैतिज स्तर पर 60 अंशकोण बनाती है, तो दोनों छिद्रों के बीच की दूरी दोस्तों कितनी होगी, वो होगी 60/√3। वो कैसे होगी, यह भी हमने इसको हल किया हुआ है नीचे, बाद में वीडियो के अंत में देखना आप, मैंने इसको हल किया हुआ है। 63 का सी ऑप्शन सही है। 64 देखिए क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एंगल बिटवीन द टॉप फेस ऑफ कटिंग पॉइंट एंड नॉर्मल टू द वर्क सरफेस एट द कटिंग एज। इसमें कह रहा है कर्तन कोण में कर्तन बिंदु के अग्रफलक एवं कार्पृष्ठ के प्रसामान यानी कि नॉर्मल के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रैक एंगल। तो 64 का ए ऑप्शन सही है, रैक एंगल। 65 देखिए, एक आईएसओ मेट्रिक थ्रेड जो है उसका डाया जो है 6 मिलीमीटर है और पिच 1 मिलीमीटर है, तो उसके लिए रिकमेंडेड टाइप डाया ड्रिल, टाइप ड्रिल का डाया कितना होगा दोस्तों, वो होगा 5 मिलीमीटर। 65 का ए ऑप्शन सही है। 66 देखिए आप, इसमें कह रहा है कि आरपीएम निकालने हैं आपको इसमें, और इसकी माइलेजली कटिंग स्पीड दे रखी है 20 मीटर प्रति मिनट और डाया दे रखा है ड्रिल का 20 मिलीमीटर। तो फार्मूला होता है कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई इंटू डाया इंटू आरपीएम अपॉन 1000, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसका। तो 66 का ए ऑप्शन सही है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन लगाया हुआ है वीडियो के अंत में आप देखना। 67 क्वेश्चन देखिए, औजार जो है कार्य पृष्ठों से रगड़ेगा तथा कर्तन बल बढ़ेगा, और कब बढ़ेगा दोस्तों, जब उसका क्लियरेंस एंगल कम होगा। तो 67 का बी ऑप्शन सही है, क्लियरेंस एंगल इज लेस यानी कि निष्कासन कोण कम होने से ऐसा होगा। 68 देखिए, ढलवा लोहे की मशीनिंग के लिए रैक एंगल कितना होना चाहिए दोस्तों, वो 0 डिग्री होना चाहिए। तो 68 का बी ऑप्शन सही है, 0 डिग्री। 69 देखिए, हेलिक्स एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल डिटरमाइंस द, ट्विस्ट ड्रिल का हेलिक्स एंगल कितना होता है, सॉरी कितना मतलब से क्या कहते हैं, और भी क्या कहते हैं उसका दूसरा नाम दोस्तों है रैक एंगल। अगर ट्विस्ट ड्रिल है उसका हेलिक्स एंगल है उसको हम रैक एंगल भी कहते हैं। तो 69 का बी ऑप्शन सही है। 70वां क्वेश्चन देखिए, शंकुवर्तन के लिए पुच स्टॉक ऑफसेट विधि का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए कार्यों के अनुसार मिलीमीटर में पुच स्टॉक का परिकलन करें। बड़ा व्यास 36 मिलीमीटर, छोटा व्यास 32 मिलीमीटर, शंकु की लंबाई 125 मिलीमीटर, कार की कुल लंबाई 250 मिलीमीटर। इसमें कह रहा है हमने टेल स्टॉक ऑफसेट विधि से हमें टेपर टर्निंग की है, और उसका कैपिटल डाया है 36 मिलीमीटर, स्मॉल डाया है 32 मिलीमीटर, जितने में टेपर किया हमने है वो लंबाई है 125 मिलीमीटर और वर्क की टोटल लंबाई है 250 मिलीमीटर। तो कह रहा है कि हम टेलीस्टॉक को कितना ऑफसेट करेंगे उसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों। उसका सूत्र फार्मूला होता है टेलीस्टॉक ऑफसेट इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2 × स्मॉल एल, और फिर ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई यानी गुणे में कैपिटल एल। उसने क्वेश्चन लगाया हुआ है हमने, आप इसको देखना बाद में। हाँ, 71वां क्वेश्चन देखिए, 71। मेट्रिक थ्रेड में पिच व्यास पर पेंच की मोटाई कितनी होती है दोस्तों, वो होती है पिच का आधा। पिच सर्किल डायमीटर पर जो होती है उसकी मोटाई जो होती है पिच, तो वो होती है पिच की आधी। तो 71 का ए ऑप्शन सही है। 72 देखिए, 25H7/P6, इसमें कौन सी फिट है दोस्तों, इसमें हमारी इंटरफेरेंस फिट है। तो 72 का सही ऑप्शन सही है। 73 देखिए,
एक हमारे पास क्यूब है जिसके प्रत्येक साइड के यानी प्रत्येक साइड की लंबाई जो है 20 है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा दोस्तों? उसका सरफेस एरिया मतलब बता दें, घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 6 × भुजा स्क्वायर, 6 × साइड का स्क्वायर। तो वहाँ से हम निकाल लेंगे 2 की हमारे 2400 आएगी। तो 73 का बी ऑप्शन सही है। 74 देखिए, एट रूम टेम्परेचर प्लेन कार्बन स्टील कंटेंट्स, इसमें कह रहा है प्लेन कार्बन स्टील में रूम तापमान पर क्या क्या होता है दोस्तों? उसमें क्या होता है? उसमें फेराइट, सीमेंटाइट और पियरलाइट तीनों होते हैं। तो 74 का डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त तीनों फेराइट, सीमेंटाइट और पियरलाइट तीनों होते हैं। 75 देखिए, 2, 3, 4 उसका एलसीएम क्या हो दोस्तों? उसका एलसीएम 12 होगा। तो 75 का डी ऑप्शन सही है। 76 क्वेश्चन देखिए, 5% के ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए 2000 रुपये के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? तो पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो उसका आ जाएगा क्वेश्चन, हमारा आंसर आएगा 200। तो 76 का ए ऑप्शन सही है। 77 देखिए, 5 मिलीमीटर लंबाई की एक सीढ़ी को दीवार पर इस प्रकार टिकाया गया है कि उसकी नोक दीवार के ऊपरी भाग के साथ हो। सीढ़ी का निचला भाग दीवार के बेस से 4 मिलीमीटर दूर, दीवार की ऊंचाई कितनी होगी? दोस्तों वो होगी 3 मिलीमीटर। तो 77 का ए ऑप्शन सही है, 3 मिलीमीटर। दोस्तों इसको भी हमने हल किया हुआ है और आप इसको देख सकते हैं वीडियो के लास्ट में। अगला क्वेश्चन देखें, 1 मिलीमीटर त्रिज्या के ठोस सॉलिड स्फेयर है, ठोस गोला है, तो उसका आयतन कितना होगा दोस्तों? उसका आयतन होगा 4/3 पाई r³। सूत्र होता है 4/3 पाई r³, फार्मूला होता है r की यहाँ पर वैल्यू है 1 मिलीमीटर, तो उसका मान आ जाएगा हमारा 4/3 पाई m³। तो 78 का बी ऑप्शन सही है। 79 देखिए, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 मिनट चलती है और अगले 30 मिनट 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो उसकी औसत गति क्या होगी? दोस्तों औसत गति दोनों गति को जोड़ के बटे 2 कर देंगे, हल कर देंगे तो आ जाएगी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 79 का डी ऑप्शन सही है। 80 क्वेश्चन देखिए, एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसकी भुजाएं 2:7:11 के अनुपात में हैं, तो आप पता लगाएं कि वो किस उनके एंगल किस रेशियो में होंगे? दोस्तों उनके एंगल होंगे 18:63:99। तो 80 का ए ऑप्शन सही है। अब दोस्तों जितने पहले हमारे न्यूमेरिकल आए हुए हैं उनको हल हमने किया हुआ है, तो दोस्तों देखें कैसे हल करते हैं। जो 77 क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है और दीवार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो दोस्तों हमने लगा दी है। और दीवार पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ऊंचाई हमारी 3 मिलीमीटर, 3 मीटर आ गई। 78 क्वेश्चन देखिए, उसमें गोले का आयतन पूछ रहा है, तो वो आंसर आ गया 4/3 पाई m³। 79 औसत गति पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दिया है, तो वो आ गई औसत गति। 80 क्वेश्चन देखिए, 80वां क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारी भुजाएं इस रेशियो में थी, तो कोणों का कोण हमारे जो हैं वो इस तरीके से आ जाएंगे 18 डिग्री 63 डिग्री 99 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए। 62वां क्वेश्चन देखिए, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे पूछा उसने है, तो वो 400 पाई आ जाएगा। 63वां क्वेश्चन देखिए, तो उसमें पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी यानी कि तिरछी लंबाई क्या होगी, तो वो होगी 60/√3। अब 66 देखिए क्वेश्चन हमारे, उसमें आरपीएम पूछा है और हमारे पास फार्मूला है कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई डी एन, यानी कि पाई इंटू डाया इंटू आरपीएम बटे 1000। तो कटिंग आरपीएम निकालने के लिए आरपीएम इज इक्वल टू कटिंग स्पीड इंटू 1000/π/d, तो आ जाएगी हमारे 318.47। 77वां 70वां क्वेश्चन, जो टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड है उसका फार्मूला ये देखो लिख रखा है, तो d-d/2l×l, तो वो आ जाएगी 4 मिलीमीटर। इसको हम हल करते आएंगे। 73 देखिए, घन का पृष्ठ क्षेत्र पूछा है,
तो उसका फॉर्मूला होता है 6 × भुजा की पावर 2, तो 2400 आ जाएगा। 67, इसमें साधारण ब्याज पूछा है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, तो 200 आ जाएगा वो। 52 क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आपको पता है त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 × आधार × ऊंचाई, तो वो 100 आ जाएगा। फिर 54वां क्वेश्चन देखिए, 54, इसमें आरपीएम फिर से पूछा हुआ है, तो 464.01 आ जाएंगे आरपीएम। 55 क्वेश्चन देखिए, जिसमें आप चीजें है उसका क्लियरेंस एंगल पूछा हुआ था, आप इस चित्र को आराम से समझ सकते हैं कि वो कैसे हमारा क्लियरेंस एंगल जो है 9.5 आया, क्योंकि चीजल का वेज एंगल जो है 60 है और झुकाव है 39.5, तो वहाँ से आप देख सकते हैं एक तरफ 30 बनेगा, दूसरी तरफ 30 एंगल बनेगा, और उधर पूरा बना 39.5। अब 30 में 30 को जो है 29.5 से 39.5 से घटा देंगे, यानी कि 39.5 में से 30 माइनस कर देंगे, तुम्हारा आ जाएगा 9.5। 57वां क्वेश्चन देखिए, ये रीडिंग दिखा रहा है उसकी माइक्रोमीटर की, तो 100 से तो शुरुआत ही होती है उसकी रेंज की, तो 100 तो आ जाएगा। अब प्लस 16.5 मेन रीडिंग है उसकी, और थिम्बल डिवीजन है 28, तो 28 को हम लीस्ट काउंट से गुणा कर देंगे, लीस्ट काउंट से कितनी है 0.01, तो ये आ जाएगी 0.28, और उसको हम 16.8 में ऐड कर देंगे, फिर उसको हम 100 में ऐड कर देंगे, तो हमारा जाएगी 116.78 मिलीमीटर। 58 क्वेश्चन देखिए, मिनिमम इंटरफेरेंस पूछा इसमें है, तो मिनिमम शाफ्ट शाफ्ट साइज इसमें से मैक्सिमम होल साइज घटा देंगे, तो हमारा जाएगा 0.001 मिलीमीटर। 61 क्वेश्चन, इसमें गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, तो हो जाएगा पाई 4πr² 4πr² तो 4π तो है आर, रेडियस देखिए 5, तो 5 × 5 हो जाएगा, तो 4π × 25 तो आया 100π आ जाएगा, 100π। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, और मैं ज़रूर बताएं वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।